ये 10 बार भी 3 साल हो जाएंगे शादी के लिए। क्या नाम है आपकी बेटी का? अंजलि और चंचल। चंचल कितने साल पहले शादी करी थी इसकी? 10 फरवरी को 3 साल हो जाएंगे। 10 फरवरी 3 साल हो जाएंगे। 18 में हुई। क्या कारण है आज जो हॉस्पिटल में एडमिट करा है? बच्चा ना होने कारण धागड़े मारते थे और पैसे भी मांगते थे। विवाहिता मरीज ससुरालियों पर आफत। खबर बरेली के थाना सुभाष नगर से है, जहां एक विवाहिता को संगीन हालत में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतका के परिवार वालों ने उसकी ससुराल वालों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। क्या नाम? ओमपाल कश्यप। कहां रहते हैं? राजीव कॉलोनी सुभाष नगर, गली नंबर 11। आज क्या मसला है? तो जी मतलब आप भी हॉस्पिटल आए जी? बेटी कल हाजी खाली लोग लगाई और आज एक्सपायर हो गई। कल 3:30 बजे भर्ती कराए लोगों ने। कल कितने बजे मैं फांसी लगाई थी? 3:30 बजे यहाँ पर हम लोग बुलाया, पता नहीं कब लगाई। अच्छा। हॉस्पिटल बुलाया। किसका कॉल आया था आपके पास? लड़के का, धीरज का। क्या आया था? जो आया तबीयत खराब, पेट दर्द उठा है, भर्ती कर दिया। तो क्या मतलब किस बात पे आपको लोग परेशान करा करते थे आपकी बेटी को? क्या पैसे ही मांगते थे बीच को? जब बच्चे के कारण पता, बोले बच्चे नहीं हो रहा क्या है, और 3 साल अभी शादी को हुए नहीं है, 10 फरवरी 3 साल हो जाएंगे। बेटी आपकी क्वालिफाइड थी जी? कहाँ से पढ़ी हुई थी? एमए पास, इंग्लिश एमए। कहाँ से शादी करी थी आप? सुभाष नगर। लड़की की शादी कहाँ पे? वो हरी लॉन सिंह धर्मकाटा। शादी कहाँ पे करी थी? नदोसी सीबीगंज। और कब से परेशान कर रहे हैं आपकी बेटी को? जी करीब 15 दिन से ज़्यादा हो गया। टिंकू कहाँ रहते हो? सुभाष नगर, राजीव कॉलोनी, गली नंबर 11। आज क्या मसला है जो आप यहाँ पर? बेग हॉस्पिटल में हमारी सिस्टर कल से भर्ती है और उसके साथ में ये हादसा हुआ है कि हम लोगों तो कुछ ये जानकारी है नहीं, उसने मतलब या उन लोगों ने या उसने कुछ भी हम लोगों को नहीं पता। ये लोग ये बोले थे कि उसकी सांसें नहीं चल रही हैं, समझे? तो उसे पहले उसमें रेशमा हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ उनने मना कर दिया, फिर यहाँ बेग में एडमिट करा हम लोगों को, तब भी इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। यहाँ आके हम लोगों को पता चला है कि ये हादसा हुआ है इसके साथ में, और उसे प्रताड़ित करा जाता था सिर्फ बच्चा ना होने की वजह से। और भी बातें, घरेलू बातें होती हैं, बाकी हम लोग आपस में बात करके समझा दिया करते थे, समझे, उसे भी और उनके परिवार वालों को भी। पर उसका कुछ, उसके साथ में कुछ ज़्यादा ही मतलब इन लोगों ने दिक्कतें देना शुरू कर दी, तो इस चक्कर में ये हादसा हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशान करा है। नंदोसी कहाँ पड़ता है? सीबीगंज थाना, सीबीगंज नंदोसी। क्या नाम है आपके बहनों साहब का? बहनों साहब का है नीरज कश्यप। क्या करते हैं ये? इसमें फेडेक्स कंपनी है, कोरियर कंपनी, रतनदीप कॉम्प्लेक्स के पास में, उसी में रतनदीप कॉम्प्लेक्स में है, उसमें कोरियर कंपनी में काम करे। कहाँ से पढ़ाई करी आपकी बहन ने? भाई ने करी, बहन ने हमारी करी है साहू राम स्वरूप से। क्या नाम है बहन का? अंजलि कश्यप। कितनी क्वालिफाइड थी? पुलिस ने मृतका के ससुराल के कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों को पकड़ कर ले जाते वक्त कवरेज करने पर दरोगा ने एतराज जताया।